बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नादियास किचन इन यूएसए। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त का दही वाला सन, जिसके लिए आपको चाहिए एक मीडियम प्याज कटी हुई। यहाँ पर हमने 2 पाउंड हड्डी वाला गोश्त लिया है। हमने तीन से चार चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट के ली है। यहाँ पर हमने 8 से 9 काली मिर्च ली है, एक बड़ी इलायची। यहाँ पर हमने 2 छोटी ग्रीन इलायची ली है, 3 लौंग, 1 बे लीफ, आधा सिनेमन स्टिक, और यहाँ पर हमने ली है 2 चम्मच जीरे की। यहाँ पर हमने हमारे तेल डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे गरम मसाला, हमारी प्याज। आपकी प्याज को गोल्डन ब्राउन होने लगे, आपकी प्याज को आप मिक्स कर लें जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। अब यहाँ पर आप लोग देख सक रहे हैं, यहाँ पर हमारी प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा 2 पाउंड गोश्त, इसको मिक्स कर लें। अब फिर हम इसमें डालेंगे हमारी 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन। इसमें आप डाले 1/2 चम्मच हल्दी की, और आप लोग डाले नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें सिर्फ प्याज हमने डाले, हमारे गरम मसाले, अदरक लहसुन और सिर्फ गोश्त डाले हैं। इसमें टोमेटो कुछ भी नहीं डालेगा। हम सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे, फिर उसके बाद हम 2 ग्लास पानी डाल देंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अब 3 मिनट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी 2 छोटी हरी मिर्चें। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप्स ऑफ वाटर। हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल देंगे, तो टोटल 3 कप्स ऑफ वाटर। अब इसको 2 मिनट पे हम हाई फ्लेम पे पका देंगे, जब तक जोश नहीं आएगा। हम इसको ढक दें। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जोश आ चुका है। अब हम इसको लो फ्लेम पे 1 घंटे तक पका देंगे, जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। अब आप लोग देख सक रहे हैं, यहाँ पर हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। हमने पानी भी जला दिया है, बस हमने थोड़ा सा ही पानी रखा है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 3 आलू कर लें। और यहाँ पर हमने रखे हैं, यहाँ पर 3 आलू हैं, पीस इनका इन हाफ। अब हम इसको हमारे सालन और गोश्त के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने हमारे आलू डाल लिए हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे, जब तक हमारे आलू गल जाएंगे। यहाँ पर हम गरम मसाला भी निकाले हैं, हमारी बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जो भी आपको ऊपर देखे आप निकाल लें। अब हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। यहाँ पर हमारे आलू बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम इसमें 1 प्याली दही डाल दिए हमने। अब हम इसको हिला लेंगे, मिक्स कर ले, ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं हो, दही बिल्कुल स्मूद हो। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली भर के पानी। अब यहाँ पर हमारा दही वाला सालन बिल्कुल तैयार है। हमने सिर्फ थोड़े से सिलांतर डाले हैं गार्निश के लिए। अब हम इसको सर्व करेंगे डिश के अंदर। अब यहाँ पर आप लोग देख सक रहे हैं, हमारा आलू गोश्त का दही वाला सालन बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर हमारे जीरे वाले राइस हैं, हमने सिर्फ थोड़ी सी गार्निश करी है सिलांत्रों की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और पोस्ट नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। अगर आप लोगों के पास कोई भी और रिक्वेस्ट हो हमारे लिए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बिलो लिख दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देख रहे हो, इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट और लाइक्स और सब कर रहे हो। आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।